परम शांति बाबू जी, ये शिव योग के बारे में बताइए कि शिव योग क्या है और शिव योग से ऊपर भी क्या है, ये बताएंगे जरा परम शांति। पहले तो शिव योग का मतलब समझिए। शिव और योग, शिव तीन रूप में होते हैं। शिव निराकारी रूप में होते हैं, शिव आकारी रूप में होते हैं, और शिव के अवतार साकारी रूप में, जैसे शंकर हिमालय में रहते हैं वो अवतार हैं। तो शिव निराकारी, जिनको अलग अलग धर्म वाले नूर कहते हैं, गॉड इज लाइट कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं, वो परम धाम में रहते हैं निराकार। और आकारी शिवपुरी में रहते हैं, जो विष्णुपुरी से ऊपर है। और योग माना कनेक्शन, किसी भी से कनेक्शन जोड़ना, योग करना, याद करना, उसको याद करना माना योग। शिव योग माना शिव को याद करना। अब शिव को अलग अलग दो तरह से याद करते हैं। एक तो निरंजन निराकार को याद करते हैं, जो निराकार माना गॉड इज लाइट, निराकार को याद करते हैं। और साकारी फॉर्म में, जैसे ज्योतिर्लिंग स्वरूप में याद करते हैं, वैसे ज्योतिर्लिंग का मतलब है ज्योति माना लाइट और लिंग माना आकार। निराकारी रूप में भी याद करते हैं, शंकर के जहां जहां साक्षात्कार हुए, 12 ज्योतिर्लिंग के साक्षात्कार रूप में याद करते हैं। योग माना याद। तो शिव को याद करने से, निराकार शिव को याद करने से आत्मा में ताकत शक्ति आती है, तो आत्मा धीरे धीरे करके परम धाम में चली जाती है। और शिव आकारी को याद करने से शिव धाम में चली जाती है, आकारी रूप में शिव शिवपुरी में चली जाती है, जो विष्णुपुरी से ऊपर है। और साकार अवतारों को याद करने से अवतारों के पास जाती है। शिव योग से आगे है महाशिव योग। तो शिव तो एक ब्रह्मांड का मालिक है, एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड। और महाशिव है गैलेक्सी का मालिक, माना खरबों सूर्य का मालिक, खरबों शिवों का मालिक है महाशिव। गैलेक्सी माना आकाश गंगाओं का मालिक है महाशिव। महाशिव को तुम नॉलेज हो, महाशिव का नॉलेज हो, महाशिव को याद करो तो तुम महाशिव के पास चले जाओगे। योग माना कनेक्शन जुड़ेगा, महाशिव से पावर आएगा तो तुम गैलेक्सी के पास चले जाओगे, महाशिव के पास चले जाओगे। और इसीलिए इसीलिए शिव जी हमेशा महाशिव को याद हाँ, करते शिव हैं। हमेशा महाशिव को ही याद करते हैं। महाशिव माने गैलेक्सी भी बनाई कहते। महाशिव ने सोचा और एक संकल्प किया निराकार ने। महाशिव ने सोचा और मैं अनंत अनंत बन जाऊं, तो इसने सोचने से अरबों खरबों शिव निराकार पैदा हो गए, तो गैलेक्सी बनी। शिव ने भी ब्रह्मांड बनाया, गैलेक्सी बन गई। ऐसी तरह महाशिव से भी आगे, महाशिव मतलब अरब खरबों शिव का रचियता है महाशिव, ऐसी तरह खरबों गैलेक्सी है, खरबों गैलेक्सी है यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स का मालिक है परम महाशिव। तो परम महाशिव ने सोचा कि मैं एक से अनंत हो जाऊं, तो खरबों महाशिव पैदा हो गए। तो ये परम महाशिव, तुम परम महाशिव को याद करो तो तुम परम महाशिव के पास जाओगे, यूनिवर्स के मालिक बनोगे। और इससे आगे ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स माना परम महाशिव, परम परम महाशिव, इससे आगे बहुत है। जैसे मल्टीपल यूनिवर्स को मल्टीवर्स कहते हैं, तो मल्टीवर्स का यूनिवर्स का मालिक है परम 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 महाशिव है। तुम उसका नॉलेज नॉलेज हो, उसको जानते हो, उसको याद करो। योग माने याद, याद करोगे तो उससे पावर आएगी, तो तुम ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से दूर चले जाओगे और ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स के मालिक बन जाओगे। तो जिसको तुम याद करोगे, इसको तुम तो जो शिव इस ब्रह्मांड के जो शिव है वो उनके पास तत्वों का पावर है और महाशिव के पास महाशक्तियां है और परम महाशिव के पास परम तत्वों की शक्तियां है। जैसे शिव है, शिव को परम आत्मा कहते हैं और शंकर को महादेव कहते हैं। ठीक तो है शंकर हिमालय में रहते हैं तो शरीरधारी है, ठीक है शिव निराकार है, शिव आकारी शिवपुरी में रहते हैं। तो शिव निराकार के पास परम तत्व है, शिव निराकार के पास परम तत्व है, परम तत्व से सृष्टि का सर्जन हुआ। और महाशिव के पास महापरम तत्व है, महापरम तत्व है, इसलिए अरबों खरबों महाशिव ने शिव पैदा किया। और परम महाशिव के पास परम महातत्व है, परम महातत्व है, इसलिए अरबों खरबों महाशिव पैदा किए। इससे आगे बढ़ो, परम महाशिव, परम परम महाशिव, परम परम। और जब हम योग कर रहे हैं तो हम उनसे कनेक्ट कैसे हो, उनका तो नाम कने लेना पड़ेगा या कैसे योग का करना है? नॉलेज होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास महाशिव से कैसे योग करे, परम महाशिव से या कैसे योग करे, तो तुम जिसको याद करोगे, नॉलेज होगा तो याद करोगे ना। कैसे याद करे, किसको याद करे, उसको नहीं, योग माने याद। कोई भी इंसान सिर्फ ये सोचता है कि मैं जो भी परम परम महाशिव है मैं उनको याद करके योग कर रहा हूं, तो क्या उसका कनेक्शन डायरेक्ट उससे हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं, वो एग्जिस्टेंस है। आज जो साइंस वाले प्रूफ दे रहे हैं कि यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स का मालिक है, यूनिवर्स बनाने का मालिक परम महाशिव है। और ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है, तो उनके भी बनाने वाले मालिक हैं। तो साइंस तो वाले जो कह रहे हैं कि 156 बिलियन लाइट ईयर के ऊपर भी दुनिया है, अभी नहीं देखी उन्होंने, उन्होंने तो विजिबल हो, तो वो उनके विजिबल है। उनके कैमरा जो है वो तत्वों के कैमरा है उसके। तो इनविजिबल यूनिवर्स के अंदर परम परम महाशिव होंगे।
जो इनके कैमेरा जो बने हैं ऊपर जो सूक्ष्म जगत में उन्होंने जो छोड़ा हो उसमें जो कैमेरा बने हैं उसके कांच बने हैं तो वो तत्वों के है ना, थूल तत्वों के हैं। अगर उनके इनके साधन साइंस के साधन परम तत्वों के हो तो वो इतनी इतनी विजिबल दुनिया आ जाएगी। जो तत्वों की दुनिया है जो विजिबल है वो रियलिटी नहीं है, वो विनाशकारी है। जो अविनाशी जिनका विनाश नहीं होता वो रियलिटी है, वो परम तत्व। तो शिव जो है वो शिवपुरी रहते हैं, शिवपुरी में रहते हैं, वो शिवपुरी इस में ब्रह्मांड में हैं। हमारा हमारा ब्रह्मांड जो है, हाँ जी, हमारा ब्रह्मांड में शिव रहते हैं, निराकारी रूप में परमधाम में, आकारी रूप में शिवपुरी में, साकार में हिमालय में, शंकर के रूप में। तो अब महाशिव कहाँ रहते हैं? महाशिव रहते हैं, महा गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी इसके बीच में सेंटर पॉइंट में जो अभी ब्लैक होल्स बता रहे हैं ना, वहां वहां परम परम महाशिव रहते हैं और गैलेक्सी के मालिक है, आकाशगंगा के मालिक है। और अच्छा, परम तो ये, महाशिव, हाँ पर, हाँ बताइए, परम परम महाशिव रहते हैं परम महाधाम में, जहाँ यूनिवर्स का परम तो परम इस धाम है। यूनिवर्स का जो छोर है, मतलब द एंड ऑफ द यूनिवर्स है, वहां पे परम महाशिव रहते हैं। हाँ रहते हैं, हर कोई यूनिवर्स का मालिक ऐसे। तो जो इनविजिबल यूनिवर्स है जो साइंस अभी तक नहीं ढूंढ पाए, तो वहां भी उसके भी ग्रेट 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 महाशिव रहते होंगे। वो तो जैसे साइंस एम थियरी कह रही है कितने यूनिवर्स हैं, तो 500, है हाँ, एक के हाँ पीछे 500 जीरो। 10 के पीछे 500 जीरो लगाओ, 10^500। ठीक, तो ऐसे तो इतने यूनिवर्स है, मगर ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स हैं, परम 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 महाशिव है। तो मल्टीवर्स कहते हैं उसको, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स। तो मल्टीवर्स का भी मालिक एक है ना। तो पर ब्रह्म कहाँ रहते हैं? तो परब्रह्म तो अलग-अलग, कईयों ने शिव को परब्रह्म कह दिया, महाशिव हाँ को भी परब्रह्म कह दिया, मगर हाँ ये तो ये मल्टीवर्स तो एक मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं ना साइंस वाले। तो हाँ ठीक वो है। तो विजिबल जो है तो कुछ भी नहीं है, मगर इनविजिबल जो दुनिया है हमारे ज्ञान के आधार से, मैंने जो दिव्य दृष्टि से देखा है, मैंने ऐसे तो खरबों मल्टीवर्स यूनिवर्स है, खरबों मल्टी मैंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा है। वो देखने के लिए आत्मा की शक्ति चाहिए, त्याग और तपस्या तो चाहिए, तो ही देख सकते हो। तो 2016 में जो नया टेलीस्कोप आने वाला है, जो कि 156 बिलियन प्रकाश वर्ष से भी आगे देखेगा, तो हो सकता है वो आगे महाशिव तक पहुंच पाए या उससे आगे पहुंच सके। हाँ देखो जो भी आज टेलीस्कोप जो भी बनेगा वो तो उसका जो लेंस होगा वो तो थूल कांच तत्वों का होगा, थूल मिट्टी तत्वों का होगा ना, मिट्टी का थूल धरती होगा, तत्वों का होगा ना। मिट्टी तत्व। अगर वो उसका लेंस अगर परम तत्वों का हो, जैसे गॉड पार्टिकल ढूंढा है, ऐसी तरह जो उनका प्रोटोन तत्व का लेंस बने, तो वो इनविजिबल दुनिया आएगी। विजिबल दुनिया तो ये कांचों में आएगी, विजिबल दुनिया तो ना के बराबर है, जैसे मनुष्य की आंखें कितना देखती हैं, ऐसे जिस लेंस प्रकार भी। कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, तो तब उन्होंने उसने दिव्य स्वरूप के हाँ तो दिव्य दृष्टि देखा। माना तीसरा नेत्र, तीसरा नेत्र जो आज साइंस वाले रिसर्च कर रहे हैं, तो शंकर के पास तीसरा नेत्र था। तो तीसरा नेत्र क्या है, आत्मा का तीसरा नेत्र। जैसे आत्मा का तीसरा नेत्र खोलने के लिए आत्मा की शक्ति चाहिए, आत्मा की शक्ति आ जाए तो तुम्हारे पास इतनी शक्ति आएगी तो मल्टीपल यूनिवर्स को देख पाओगे दिव्य दृष्टि से, मल्टीपल यूनिवर्स। मगर आत्मा की शक्ति और कैमरा की शक्तियों में बहुत फर्क है ना। कैमरा की शक्ति यानी जो कांच है उसका विजन आता है कांच से आता है, तो स्थूल तत्व है। और जो आत्मा की तो शक्ति अब हो, इंसान को किन को याद करना चाहिए? शिव को, परम महाशिव को, अब जो महाशिव आत्मा की को? अलग अलग कैपेसिटी है, ओके, आत्मा अलग अलग प्रकार की है। जो आत्मा जिनमें से जो क्रिएट हुई है उनका क्रिएटर अलग अलग है, तो आत्मा का क्रिएटर अलग अलग, तो आत्माओं की कैपेसिटी अलग अलग है। तो जिन जहां तक जो आत्मा का क्रिएटर शिव है तो शिव तक पहुंचेगा, महाशिव है तो महाशिव तक पहुंचेगा, परम महाशिव तो परम है, इससे आगे नहीं जाएगा वो। तो इसीलिए आपने जो अपनी बुक है द होम ऑफ ऑल थिंग, इसीलिए आपने उसमें ये बताया कि 108 जो आत्मा मुझे चाहिए, जो विश्व को परिवर्तन करने वाली आत्मा है, तो वो उनकी जो रचना है वो डायरेक्ट बेहद के परम 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 महाशिव से हुई होगी, तो जिसको आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वही विश्व को बदल सकते हैं, ऐसा आपने बताया है इस बुक के अंदर। वो जो हम मल्टीवर्स कहते हैं, मल्टीपल यूनिवर्स का जो क्रिएटर है जी वो 108 मल्टीपल यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, 108 जो यहाँ धरती पर आए हैं और मनुष्य अवतार में हैं, इनको मैं ढूंढ रहा हूँ। ओके, वो जो जैसे एंशिएंट एलियंस वाले बता रहे हैं ना कि हमारे पूर्वज भी दूर दूर के यूनिवर्स से आए हैं, हम भी एलियंस हैं। और आज भी हर साल एवरी ईयर अमेरिका में 6,000 UFO आ रहे हैं। तो सारे क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, वो उनको नहीं पता, मुझे पता है, क्योंकि मैं उन 108 आत्माओं को ढूंढ रहा हूं जो मल्टीवर्स यूनिवर्स के क्रिएटर है, 108, और वो धरती पर मनुष्य अवतार में आए हैं। क्यों आए, इनके लिए बहुत गहरा राज है, बहुत मल्टीपल यूनिवर्स के मालिक है।